हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये फिल्म शुरू होती है फ्लोरिडा के इस खूबसूरत बीच से। ये बीच तो खूबसूरत है ही, साथ में यहाँ के लोग भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ खूबसूरत लड़कियों का मेला लगा हुआ है, अक्सर यहाँ यंग लोग आते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं, यहाँ सन बाथ लेते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। नेल्सन और एडम भी अपने कॉलेज से भागकर यहाँ पहुँचे हैं, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आज तक उन्होंने किसी के साथ संभोग नहीं किया, यानी अभी तक दोनों वर्जन हैं, और इन्होंने लाइफ को खुल के जिया भी नहीं है, इसलिए इनकी आदतों में काफ़ी बेवकूफ़ियाँ भरी हैं। इन्हें नहीं मालूम कि बाहर के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह से एक खूबसूरत लड़कियों से बात करना है। यहाँ पहुँच कर ये एक सस्ता सा होटल देखते हैं, इसमें ये रूम बुक करते हैं। होटल का स्टाफ इन्हें चूतिया बनाते हुए कहता है कि ये रूम काफ़ी अच्छा है पर इस रूम में काफ़ी गंदगी है। पर समहाउ नेल्सन और एडम यहाँ रहने को तैयार हैं। नेल्सन को टेंशन है कि उसके फादर उसका क्या हाल करेंगे। वो अपने स्टेप फादर अर्न से बिना बताए यहाँ पहुँचा है। एडम उसे समझाता है, कहता है कि हम यार अब यंग हो गए हैं, हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बाप का तो काम है टेंशन लेना, उसे लेने दो। पर यहाँ पर एक और बड़ी गड़बड़ हो गई है। ओटी और स्टू ये दोनों भी यहाँ एंजॉय करने आए थे, पर इन्हें भी वही रूम अलॉट हो गया जो कि नेल्सन और एडम को मिला है। जब यह गलतफहमी इन्हें पता चलती है तब ओटी रिसेप्शन पर फ़ोन लगाता है। होटल का स्टाफ इन्हें बताता है कि इस समय सारे रूम्स फुल हो चुके हैं, इनफैक्ट यहाँ कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। इस तरह मजबूरन इन चारों को ये रूम शेयर करना पड़ा है। अब ये चारों आपस में एक साथ इंजॉय करना शुरू करते हैं। ओटी ये देखता है कि एडम और नेल्सन दोनों बड़े शाही किस्म के हैं, वो धीरे धीरे इन्हें ग्रूम करना शुरू करता है। यहाँ पर मिस्टर यूनिवर्स का कॉम्पिटिशन चल रहा है, ओटी इसमें पार्टिसिपेट करता है। वह ऊंचाई से कूदता है, पर यहाँ से तो कोई भी कूद सकता है। अब अपने आप को विजेता घोषित करने के लिए ओटी नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और इतनी ऊंचाई से कूद कर दिखाता है कि वो ही मिस्टर यूनिवर्स है। इसके बाद बियर का कंपटीशन होता है, ओटी इसे भी जीत लेता है। जब ये चारों गैस स्टेशन पर गैस भरवाने पहुँचे हैं तब यहाँ दो लड़कियाँ कार में बैठे आती हैं। ओटी इन्हें बड़े लोलुप निगाहों से देखता है, वो लड़कियाँ इन्हें बियर ऑफर करती हैं। ओटी और स्टू इनके साथ कार में चले जाते हैं। अब बेचारे एडम और नेल्सन अकेले रह गए हैं, वो यहाँ के लोगों को देख कर ही अपना दिल भर रहे हैं। होटल के रूम में बैठे ये सपने देख रहे हैं कि वो दोनों लड़कियाँ कितनी खूबसूरत थी, काश वो इन्हें मिल पाती। तभी ये देखते हैं कि स्टू और ओटी उन दोनों लड़कियों को लिए होटल में पहुँचे हैं, दोनों उनके साथ चुंबन क्रिया कर रहे हैं। इसके बाद ओटी और स्टू इन लड़कियों के साथ इन दोनों के सामने ही संभोग करते हैं। एडम और नेल्सन इन सब को देखे जा रहे हैं, वो इन लड़कियों के अंगों को देखकर आकर्षित होते हैं, पर कोई फायदा नहीं, फिलहाल उन्हें ये नहीं मिलने वाली। इस तरह एडम और नेल्सन इनके साथ भी बोटिंग करते हैं, साथ में ये डांस करते हैं। सिंगर्स को देखकर ये उन्हें वासना भरी निगाहों से देखते हैं, पर इनका नंबर लग नहीं पा रहा। इसके बाद हम नेल्सन के फादर अर्न को देखते हैं। अर्न अपने पॉलिटिकल कैंपेन में बिजी है। जब उसे पता चला है कि नेल्सन बेवकूफ़ बनाकर भाग गया है तब वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो इसका गुस्सा नेल्सन की मदर पर उतारता है। नेल्सन की माँ अपने बेटे की साइड लेते हुए कहती है कि उनका बेटा नादान है, उसने कोई गलती कर दी है पर हम उसे संभाल लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्न ने एक पर्सन पैटमोर को हायर किया है। पैटमोर दरअसल मनी माइंडेड किस्म का इंसान है, वो उस बीच के होटल को हथियाना चाहता है। अर्न पैटमोर से कहता है कि तुम मेरे बेटों को ढूंढो, उसके बदले में तुम्हें $5,000 दूंगा। पैटमोर ने यह फैसला किया है कि वो इन पैसे से उस होटल को खरीद लेगा। अब पैटमोर निकल पड़ा है अपने आदमियों के साथ उस बीच के होटल पर। इधर नेल्सन और उसके साथी इंजॉय करने में मशगूल हैं। स्टेज पर काफ़ी सारी लड़कियां डांस कर रही हैं। इनके टी शर्ट में स्तन के ऊपर बियर डाला जाता है और सभी यहाँ डांस करते हैं। इसके बाद सभी धीरे धीरे यहाँ निर्वस्त्र होते हैं। निर्वस्त्र होकर भी सभी डांस करते हैं। सबको एक एक केला दिया जाता है खाने को। खाते हुए ये एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं। इसी दौरान नेल्सन की नज़र गई है सुशी पर। सुशी फिलहाल खेलने में मशगूल है। नेल्सन उसे दोस्ती बढ़ाना शुरू करता है। इसके बाद सुशी उसे अपने होटल रूम में ले जाती है। दोनों यहाँ बेहद करीब आते हैं। नेल्सन कहता है कि उसे प्यास लगी है, अब वो कोक लेने बाहर गया है। कोक लेकर वो जब होटल के अंदर आता है तब वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसे याद नहीं कि सुशी का रूम कौन सा था। वो अलग अलग रूम्स में जाता है और हर जगह से उसे निकाला जाता है। अंत में वो सुशी के रूम में पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ का स्टाफ नेल्सन को यहाँ से खदेड़ देता है। अगले दिन नेल्सन अपनी गलती के बारे में एडम को बताता है।
एडम कहता है, यार तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, तुम्हें रूम से निकलने की ज़रूरत क्या थी। नेल्सन फिलहाल कुछ कर नहीं पाता और ना ही वो कुछ बता पा रहा है कि हुआ क्या था। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। इतने में नेल्सन को सुशी दिखी है। वो सुशी के पास जाता है, वो उसे कहता है कि वो आज भी उसके लिए रुकने वाला है। सुशी कहती है कि वो आज शाम को ज़रूर उससे मिलेगी। नेल्सन इस खुशी को अपने बाकी तीनों दोस्तों से शेयर करता है। अब तक पैटमोर और उसके आदमी यहाँ पहुँच चुके हैं, वो चारों तरफ नेल्सन को ढूंढे जा रहे हैं। शाम को परफॉर्मेंस के दौरान पैटमोर के आदमी नेल्सन का पीछा करते हैं। नेल्सन सुशी के साथ यहाँ से भागता है। दोनों कार ड्राइव करते हुए यहाँ से काफ़ी दूर निकल आए हैं। रात के अंधेरे में ये बीच के पास पहुँचते हैं। यहाँ दोनों आपस में बैठे हुए एक दूसरे के बारे में बताते हैं। इस बार भी नेल्सन जब सुशी के करीब गया है, तब अचानक से उसे टॉयलेट आ गया है। वो भागता हुआ समंदर किनारे जाता है। यहाँ एक मगरमच्छ पर टॉयलेट कर देता है। मगरमच्छ उसकी पैंट खींचता है। अब अपनी जान बचाने के लिए नेल्सन पैंट को यहीं छोड़ देता है। इस तरह वो नग्न अवस्था में सुशी के पास पहुँचा है। सुशी नेल्सन को इस अवस्था में देख कर एक्साइटेड होती है। वो भी धीरे धीरे यहाँ निर्वस्त्र होती है। इसके बाद दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। इनका संभोग रात भर जारी रहता है। सुबह भी दोनों बीच किनारे एक दूसरे को हक किए हुए लेटे हैं, पर इनके रंग में भंग डाला है पैटमोर के आदमियों ने। इस तरह नेल्सन को उसके फादर के सामने लाया गया है। नेल्सन के फादर उसे काफ़ी डांटते हैं। नेल्सन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ कर कैद करके इस बोट में रख दिया गया है। जब सुशी को ये बात पता लगी है, तब वो ओटी की हेल्प से नेल्सन को छुड़ाना चाहती है। ओटी अपने साथियों के साथ नेल्सन को छुड़ाने जाता है। वो कामयाब भी हो जाता है, पर पैटमोर के आदमी उसका पीछा करते हैं। पैटमोर के आदमी अब होटल में पहुँचे हैं। यहाँ नेल्सन और उसके साथियों ने यहाँ के लोगों को इकट्ठा कर लिया है। सभी पैटमोर के आदमियों को मारना शुरू करते हैं। यहाँ पैटमोर और उसके आदमियों को पकड़ कर बंदी बना दिया गया है। अर्न यहाँ पर पहुँचा है नेल्सन की मदर के साथ। वो नेल्सन को डांटना शुरू करता है, पर नेल्सन अब काफ़ी ग्रो कर चुका है। अब वो किसी से नहीं डरता। वो यहाँ इस बात का खुलासा करवा देता है कि अर्न ने ब्राइबिंग की थी इस होटल को बिकवाने के लिए पैटमोर के हाथों। अब जब इस बात का खुलासा हो गया है, तो अर्न मुजरिम करार दिया गया है। नेल्सन के मदर ने भी अर्न को छोड़ दिया है। अब उनका तलाक हो रहा है। इतने में यहाँ पुलिस पहुँचती है। पुलिस ने अर्न को अरेस्ट किया है ब्राइब करने के जुर्म में। इस तरह होटल बिकने से रह गया। सभी इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। नेल्सन बड़ा खुश है कि उसे सुशी के रूप में इतनी अच्छी पार्टनर मिली है। सभी को अपनी अपनी पार्टनर मिल गई है। सभी से एंजॉय करते हुए यहाँ अपनी अपनी फ़ोटो लिए जा रहे हैं। और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।